Prime Minister, uh, you've uh, raised the aunt against the dynastic politics. You talk about the dynastic politics of the opposition bloc. Do you think this charge resonates with the people? Because dynastic politics have been prevalent not just in India but across South Asia for a long time. Do people take this charge seriously at all? भारत में कुछ बुरा हो तो क्या अरे दुनिया में ऐसा है भारत ये तरीका ठीक नहीं है भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है इतनी जनसंख्या है इतनी विविधता है हर एक के अपने एस्पिरेशन्स हैं क्या एक पांच सात परिवार इसको संभाल पाएंगे क्या टू डेमोक्रेटिक वे में लोगों पर आने चाहिए तब जा के लोगों की आशा आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे दूसरा हमारे देश में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि भी किसी परिवार में से एक से अधिक लोग पॉलिटिक्स में है तो क्या है मैंने कभी ये नहीं कहा है कि किसी परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में है उसको मैं परिवारवाद नहीं कहता हूँ हम तो चाहते हैं मैक्सिमम लोग राजनीति में आए और एक परिवार के दस लोग भी आते हैं तो बुरा है ऐसा मैंने कभी नहीं कहा लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी ही वो परिवार जन्म देता है वो परिवार उसको चलाता है वो परिवार ही उसका निर्णायक होता है पार्टी में अगली पीढ़ी का व्यक्ति भी कोई आएगा तो उन्हीं परिवार का आएगा वो परिवारवादी पार्टियां है जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है जिसमें उस पार्टी के कितने ही विद्वान तेजस्वी समर्पित कार्यकर्ता होगा उसको उस स्थान पर कोई नहीं जाने देगा ये लोकतंत्र के लिए ये एंटी डेमोक्रेटिक है और इसलिए दुनिया में कहाँ क्या चलता है इसके आधार पर भारत का निर्णय नहीं होगा भारत का निर्णय भारत के नौजवानों के भविष्य के साथ होगा भारत के गाँव के साथ होगा भारत के किसान के साथ होगा और हर एक को जो अवसर मिलना चाहिए परिवारवादी के अंदर नहीं मिलता